दोस्तों आज हो रही है वर्ल्ड कप की शुरुआत और वर्ल्ड कप का पहला मैच ही इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम के बीच होगा। तो आई दोस्तों जानते हैं कि इस मुकाबले में इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या होगी और दोस्तों जानेंगे इस मैच में कौन सी टीम का पलड़ा भारी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ दोस्तों आपको पता होगा कि इन दोनों टीमों के बीच आखिरी बार 50 ओवरों का फाइनल मुकाबला हुआ था और दोस्तों वो मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक था क्योंकि दोस्तों दोनों ही टीमों ने सुपर ओवर में भी एक जैसा स्कोर बनाया था, लेकिन इंग्लैंड की टीम को उस मुकाबले में विजेता घोषित करा गया था और सबका मानना था कि इन दोनों ही टीमों को उस वर्ल्ड कप का विजेता घोषित करना चाहिए था। हालांकि दोस्तों उस समय तो ऐसा नहीं हो पाया और ऐसे में दोस्तों अब वर्ल्ड कप की शुरुआत में ही इन दोनों का पहला मैच रखा गया है। ऐसे में दोस्तों अब बात कर ले इन दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो इन दोनों ही टीमों के बीच वनडे इतिहास में अब तक 95 मैच खेले गए हैं और 95 में से 45 बार इंग्लैंड को जीत हाथ लगी है, तो न्यूजीलैंड की टीम ने 44 मैचों में जीत दर्ज करी है। ऐसे में दोस्तों ये दोनों ही टीमें जब भी भिड़ती हैं, इन दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलती है और ऐसे में ये दोनों टीमें वनडे वर्ल्ड कप में अब तक 10 बार आमने सामने आई हैं और दोनों ही टीमों ने 5-5 मैचों में जीत दर्ज करी है। और ऐसे में इस आंकड़े को आप देख सकते हैं कि दोनों ही टीमें हमेशा एक दूसरे पर भारी पड़ती हैं और मुकाबला काफी रोमांचक होता है। ऐसे में दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा और ये मुकाबला दोपहर में 2 बजे शुरू होगा और ये मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। अब दोस्तों बात कर ले इस मैच में इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, तो पहले बात कर ले इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए जॉनी बेरिस्टोर, डेविड मलन दिखाई देंगे। तो मिडिल ऑर्डर में जोए रूट, बेन स्टोक्स, कप्तान जॉस बटलर, लिम लिविंगस्टन और मोइन अली मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे। तो गेंदबाजी में सैम करन, क्रिस बोक्स, आदिल रशीद और मार्क वुड इंग्लैंड की टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते दिखाई देंगे। तो दोस्तों अब बात कर ले न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए केविन कॉनवे और विल यंग दिखाई देंगे। तो मिडिल ऑर्डर में मार्क चैंपमैन, ड्राइल मिचल, टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स और मिचल स्टेंटनर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे। तो गेंदबाजी में इश शोडी, टीम सऊदी, लोकी फर्गसन और ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड की टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते दिखाई देंगे। जहां दोस्तों केन विलियमसन को लेकर ये खबर है कि वो शुरुआती मुकाबले नहीं खेलेंगे, तो दोस्तों अगर टीम सऊदी इस मुकाबले में फिट नहीं होते हैं तो फिर उनकी जगह एक दूसरा तेज गेंदबाज इस मुकाबले में खेलता दिखाई देगा। और दोस्तों वर्ल्ड कप के इस पहले मैच में इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह दिखाई देगी। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है वर्ल्ड कप का पहला मैच इन दोनों ही टीमों में से कौन सी टीम जीतेगी? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।